का गोपी चंद, कैसे मैं तूने छाती फाड़ करके 32 सुवा दूध पिलाई, तू दूध का कीमत नहीं दे पाएगा बेटा। तू माँ को छोड़कर चला गया तो क्या तेरा कर्ज अदा हो गया? नहीं बेटा, तेरा कर्ज अभी तक चुकता नहीं हुआ है बेटा। मेरे नजर पे तेरा सूरत घूम रहा है रे। तू तो कह गया था कि दो चार दिन के बाद मैं आ जाऊंगा माँ, लेकिन महीने बीत गए बेटा, अभी तक लौट करके नहीं आया है। किस बेटे का सूरत देख करके मैं अपने कलेजे में बसाऊंगी? जा, भूल जा अपनी माँ को, मुझे बेटा नहीं है, लेकिन एक माँ होकर के तेरे ख्याल में रो रही, महल में बैठ करके तेरा प्रतीक्षा करूंगी, भूखी प्यासी रह जाऊंगी बेटा, जब तक तू लौट करके मेरे अंचल में नहीं आएगा, तेरा राह देखती रहूंगी। आज के बाद मैं पगली बन जाऊंगी बेटा, देखना देखना पगली की सूरत तू बेटा। मैं जा रही हूँ बाहर बेटा, तू आना एक बार माँ के कलेजे से लग जाना। चोरी क्या शिक्षाता। आज गुरुदेव की इच्छा अनुसार अपने शरीर से राजश्री वस्त्र को उतार करके आज मैं योगी पैरागी बन चुका हूं, और गुरुदेव का कहना है इस संसार में पहला भिक्षा तुम्हें अपने माँ के हाथों से लेना पड़ेगा, दूसरा भिक्षा अपनी पत्नी के हाथों से, और तीसरा भिक्षा अपने बहन के हाथों से। जा रहा हूं मैं
अपने ही राज दरबार को। अनाथ निरंजन जय बाबा गुरु गोरखनाथ। खोजता खोजता बाबू महाराज नहीं मिले। महाराजे रंग के को जोगिया ए रोडवा के बगलों में खटिया पवा लग टिड़ीरी टिड़ीरी हमे उबई छे राग डोर सब बगले बगल बगले बगल या अच्छा रुको उ जोगिया से पूछे छे महाराज का पता है जोगिया गांव घूमे छे बड़का हो जय बाबा गुरु गोरखनाथ।
रे जगिया हेलो कौन है बच्चा? देखो ये राजनगर गुजरात है। हाँ ये नगर गुजरात है। सुनो कौन बुला बुला आवे के लिए? मैं दस दुआरी हूँ बच्चा। दस दुआरी है। ज्योति बैरागी हूँ। वाह वाह वाह। क्या क्या दरबार के सामने से गुजर रहा था। क्या को दुआर पूरे लो। सोचा ये बहुत बड़ा दरबार है, जाऊंगा तो कुछ भिक्षा मिल जाएगा और कुछ छूतरी मिल जाए। बताइए सर आपको भिक्षा चाहिए? हेलो लेकिन लेकिन जोगी बाबू आप इधर आइए, अभी हम आपसे कुछ पूछेंगे। क्या पूछोगे बच्चा? आपके आपके ऐसा ऐसा बाबा विष्णु बाबा के थान के मंदिर में बहुत है, खाली दही चूड़ा घिसता है, दिन भर थुर थुर करता है। अलग निरंजन डाबर लाल दत्त मंजन। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। जय हो ऐसी के गोबरनाथ नहीं बच्चा। यो लागे छ विश्व भगवती आज के नहीं हो।